मैं संगीता सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको स्टिच करना सिखाया था, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि स्टिच द्वारा हम फूल कैसे भरते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फूल पहले से बना कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये पूरे चैन स्टिच से बने हुए हैं और आज मैं आपको यही चैन स्टिच कैसे भरना है ये यहाँ पर बताऊंगी। ये फूल मैंने बनाए हुए हैं पहले से, ये देखिए पूरे चैन स्टिच में बने हुए हैं। ये फूल को कैसे भरना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये अब फ्रेम फंसाते हैं। ये हमने फ्रेम फंसा लिया है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर इस फूल को, हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। ये हमने पहले हमने एक एक धागे में हमने चैन स्टिच बनाया था, आज मैंने डबल धागा लिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, ये प्रैक्टिस करने से ही डबल धागा में जल्दी बनता है और ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो फूल भरते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम पूरा यहाँ तक ले जाएंगे और फिर यहाँ से पूरा ऐसे वापस लाएंगे। देखिए, हमने चैन स्टिच लास्ट तक यहाँ तक बना लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ से वापस फिर जाएंगे, इधर फ्रेम को ऐसे घुमाएंगे। यहाँ से हम चैन स्टिच यहाँ से फिर उधर ले जाएंगे। ऐसे करते करते हम तीन चार लाइन बनाएंगे इस धागे से, फिर हम धागा चेंज कर देंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। ये प्रैक्टिस से ही होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि चैन कैसे बनाते हैं और नॉट कैसे डालते हैं और उसको बंद कैसे करते हैं। ये लास्ट में पहुंचने के बाद हम इसको फिर से वापस घुमाएंगे। फ्रेम को घुमाने के बाद हम तीन चार बार ये लाइन को बनाएंगे। पहले इधर से जाएंगे, यहाँ से फिर वापस आएंगे। ऐसे करके ये जो पिंक कलर का जो है वो तीन चार बार हम चैन स्टिच बनाएंगे। लॉक करती हूँ। यहाँ से ऐसे करके हम बीच से इसको खींच लेंगे ऐसे। और ये धागा को हम अंदर से खींच लेंगे, इसके बाद मैं नया धागा लगाऊंगी। अब इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, अब दूसरा धागा लगाऊंगी। ये मैंने पिंक कलर में बना लिया है, तीन चार लाइन, पांच लाइन है ये, चार पांच लाइन। और उसके बाद अब मैं धागा चेंज कर रही हूँ, तो अब मैंने ऑरेंज कलर का ले लिया है। देखिए, ये ऑरेंज कलर का लिए है। अब मैं इसका नॉट बना करके पीछे से सेम वैसे ही करूँगी जैसे मैंने पिंक धागे का बनाया है चैन, वैसे ही सेम बनाऊंगी इसको। देखिए, हमने बना लिया। अब फिर से इसको
फंसाएंगे। ये देखिए फिर से हम ऐसे ही पूरा चैन बनाएंगे, जैसे हमने पिंक धागे से बनाया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। आप कोई भी कलर का धागा लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। देखिए मैंने ऑरेंज धागा फंसा लिया है यहाँ पर। अब ऑरेंज धागा से हम जैसे पिंक धागे में बनाए वैसे ही बनाएंगे। और ये जो मैंने क्रोशिया लिया है वो 0.5 का है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो हमको 0.5 का ही क्रोशिया लेना है और इसी प्रकार से चैन हमको बनाना है। और ऐसे ही बनाते बनाते लास्ट तक हम बनाएंगे, ये पूरा हमारा जो खाली एरिया है पूरा चैन से ही भर जाएगा, फिर बहुत प्यारा लगेगा। देखिए ये ऐसे बनाते बनाते मेरा 8-10 लाइन कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से हम लास्ट तक बनाएंगे और लास्ट तक बनाते जाएंगे, फिर यहाँ पर का आपको डिज़ाइन दिखेगा। देखिए मैं इसी तरह चैन स्टिच बना रही हूँ और यहाँ पर आपको शेडेड धागा दिख रहा होगा, ये धागा है जो सेडेट है, कहीं कहीं पर वाइट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर वाइट और कहीं कहीं पर ऑरेंज दिख रहा है, ये शेडेट धागा के कारण है। और इसी प्रकार हम आगे बनाते जाएंगे, इसको थोड़ा ही सा बचा है फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट आया, फिर से इधर वापस ले जाएंगे। देखिए इसी प्रकार मैंने बनाते बनाते ये पूरा ये पिंक धागा और ऑरेंज धागा से बनाते बनाते लास्ट तक ले आई हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पिंक के बाद येलो, येलो के बाद और कुछ कलर, अपने अपने मन चाहे अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं लास्ट आ गई हूँ बनाते बनाते, अब थोड़ा और बचा है फिर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हमको आगे भी ऐसी फूल बनाते हैं फ्लावर, तो हमको कलर भरना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर आपको भरना है। देखिए मैंने ये पूरा चैन स्टिच कंप्लीट कर लिया है और अब मैं लास्ट में इसको बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने अंदर से एक बड़ा धागा लिया, उसके बाद इसको बीच से हम इसको पकड़ेंगे ऐसे फंसाएंगे और ये वाला धागा को खींच लेंगे। उसके बाद फिर वहीं से एक दूसरा धागा लेंगे, ये हम क्या किए इसको बंद कर दिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा वर्क खुल जाएगा और ये अंदर चला गया। इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह आरी वर्क आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ ये वर्क किया है, ये पास से देख रहे हैं आप, देखिए मैं दूर से भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये दूर से भी कितना अच्छा लग रहा है और पास जाने पर भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसी प्रकार से आप मेरा वीडियो देख करके ये फूल बनाइए और इसमें ये चैन स्टिच जो है उसको पूरा भरेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।